थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के बाद आज हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल एंगल। इसमें क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल दिया हुआ हो, गिवेन हो, और उसमें एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एंगल के इक्वल हो, जिस तरह से इस फिगर में दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। और यहाँ ए डी के इक्वल है बी ई के सी एफ के, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। और यहाँ पर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ से ए बी मिल गया, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रेशियो निकालने में, हाइट का रेशियो निकालने में, मीडियन का रेशियो निकालने में फिर करेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि किसी भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ये सिमिलरिटी लिखने पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ ए बी सी है तो यहाँ जो एंगल ए है डी के बराबर है, डी ई एफ होगा। बस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसी के जैसा ये है। नेक्स्ट में आ रहे हैं एस एस एस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया में। यहाँ ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। तो इस कंडीशन में वही होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ। तो जब भी ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड, ये है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी दो साइड और उसके बीच बना एंगल इक्वल होते हैं किसी अदर ट्रायंगल के या दो ट्रायंगल के आपस में, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहाँ ए बी इक्वल टू डी ई है, ए सी इक्वल टू डी एफ है एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ए। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए सी इक्वल टू डी एफ। तो नीचे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस क्राइटेरिया। एग्ज़ाम में थ्योरम बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट हम क्लियर रखेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं और इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो हम लोग एक कोरोलरी देखेंगे, कोरोलरी ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी हम लोगों ने देखा ट्रिपल ए, अभी देख रहे हैं डबल ए। ट्रिपल ए और डबल ए में क्या डिफरेंस है यहाँ देखते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और एक ट्रायंगल और दिया हुआ है डी ई एफ। सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए डी के इक्वल है और बी जो है ई के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मिल जाता है किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो जब भी दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, यानी ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं, यहाँ ट्रायंगल ए बी सी के लिए देखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा। डी ई एफ के लिए देखते हैं तो डी प्लस ई प्लस एफ 180 होगा एंगल, एंगल लगा भी सकते हैं।
तो अब यहाँ देखते हैं कि डी जो है ए के इक्वल है, ई जो है बी के इक्वल है, तो एफ बच गया 180। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो दोनों 180 के इक्वल है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एफ के इक्वल आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस एफ, बी बी कैंसिल, ए ए कैंसिल, सी इक्वल टू एफ, यानी थर्ड एंगल जो है ऑल्सो इक्वल हो गए हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल इक्वल होगा, और वो दोनों इस तरह से आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो जब भी मिले कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया ए ए कोरोलरी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे, और वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी ई पैरेलल बी सी, देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होता है, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या, यहाँ दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी, तो ये आया, ये थेल्स थ्योरम है, और कन्वर्स तो इससे ये मिलेगा, ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड, या ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डी जो लाइन सेगमेंट है वो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, तो ए डी बाई डी बी गिवेन है इक्वल टू ए ई बाई ई सी के, तो इस कंडीशन में डी ई पैरेलल बी सी होगा। कन्वर्स कर देना है, यानी क्वेश्चन में अगर मिले ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो कन्वर्स डी ई पैरेलल बी सी होगा। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एरिया से रिलेटेड और कुछ पेरीमीटर से रिलेटेड थ्योरम को देखेंगे।